हम 2 साल की पेंट की वारंटी देते हैं अपनी, जिसमें पेंट की फेडिंग या फिर कोई चिपिंग एंड क्रैकिंग होगी तो वो हम फिर से करके देंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आज आप लोगों ने ऊपर का कैप्शन पढ़ लिया है, ओनली वन इन इंडिया वाली जो गाड़ी है वो आप लोगों के लिए आज हम लोग लेके आ चुके हैं। हम लोग हैं रैपाहोलिक, जो कि है एक पूरा, आप लोगों का कहते हैं ना कि भाई गाड़ी को लेके आओ और चेहरा जो है चेंज करके भेज दो। तो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं राहुल भाई। एक बार राहुल भाई चाहूंगा सबको हाय हेलो बोलो। मेरे चैनल में सबसे पहली वीडियो जो है वो राहुल भाई के साथ आ रही है। तो राहुल भाई क्या हाल चाल है? सबसे पहले सब बढ़िया। कल वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो राहुल भाई वही भाई थे जिन्होंने मेरे को किन के पास भेजा था? हरपाल भैया के पास। हरपाल भैया के पास। तो आज जो है भैया के पास ही आ गए हम लोग। कल मैंने बोला था एक स्पेशल वीडियो आ रही है, तो भाई ने जो है मतलब पहले बोलते थे नॉर्थ इंडिया, इधर का इंडिया, उधर का इंडिया, हम तो कह रहे हैं ओनली वन इन इंडिया जो है। क्या हमने किया भाई पहले बताओ? हमने i20 जो है कार उसको मैट वाइट कमेलियन में पेंट किया है। कमेलियन में पेंट किया। तो भाई एक बार अंदर की तरफ चले थोड़ा सा। ये है मेरे भाई की अपनी गाड़ी, ठीक है। ये भी अभी जो है पूरी तैयार हो रखी है और अब हम लोग चल रहे हैं हमारे इस स्टोर के अंदर। यहाँ पर हमारी ऑलरेडी एक गाड़ी जो भाई की है वो तैयार हो रखी है और यहाँ पर आप लोगों के रैप कलर वाले जो ऑप्शन है वो भाई के पास यहाँ पर तैयार है। राहुल भाई सबसे पहली चीज ऑडियंस के साथ शेयर करो, कितना टाइम हो चुका है आपको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए? मुझे लगभग 3 इयर्स हो चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं। हाँ जी। तो भाई आज जो है राहुल भाई ने स्पेशली ये बात बोली है कि भाई आज मैं पूरी अपनी टीम भी दिखाना चाहता हूँ और काम को भी। भाई ने बोला कि आज थोड़ा सा कम काम करेंगे लेकिन सबको जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे एक भाई है, अगर नाम बताओ भाई? पुनीत मलिक। ठीक है भाई, पुनीत भाई जो है बहुत सारे लोगों की वीडियोस में आ चुके हैं ऐसा मेरे को बताया भैया ने। ठीक है ठीक है। यहाँ पर हमारे दूसरे भैया, भैया एक बार नाम बता दीजिए। सुमित। सुमित भाई हमारे साथ है, ठीक है। तो सुमित भाई भी जो है पूरा आप लोगों को असिस्टेंट जो है यहाँ पर देने वाले हैं। तो भाई एक बार बताओ कि राहुल भाई जो कस्टमर की हम लोगों ने ये ओनली वन इन इंडिया तैयार करी है उनको दिखाएंगे तो ज़रूर, क्या था उनका एक माइंडसेट के बारे में बताओ पहले, और उनकी गाड़ी की क्या कंडीशन थी? वो गाड़ी की जो कंडीशन थी वो 2014 के लॉट की गाड़ी थी, ठीक है। उसका सारा पेंट चिप ऑफ कर रहा था, खुद ही ऑटोमेटिकली चिप ऑफ हो रहा था, यानी कि पपड़िया बन के निकल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो भैया थोड़ी सी गाड़ी कुछ ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, रैश, हल्की फुल्की रैश ड्राइविंग। हल्की फुल्की रैश ड्राइविंग करते हैं। अगर बीएस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई मतलब हल्की फुल्की करते हैं रैश ड्राइविंग। तो गाड़ी काफी जगह से लगी हुई थी, ठीक है। तो वो मेनली रैप के लिए आए थे बट उनको जो रैप करवाना था और उनकी जो ड्राइविंग हैबिट थे उससे मैंने उनको मना करा कि रैप मत करिए, आप पेंट कराइए, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर दोनों भाई, भाई आपने भी वो i20 देखी भाई, किस कंडीशन में थी पहले i20 ये बताओ? काफ़ी ख़राब कंडीशन में थी, ठीक है। तो मेरे पास जो है मैं चाहता तो उसकी फुटेज आप लोगों को ज़रूर दिखाता लेकिन उसके बाद थोड़ा Hyundai जो है वो उससे जो है वो ऑफेंडेड हो सकता है। लेकिन बहुत उस लॉट की बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत सारे लोगों ने पेंट करी हैं। अच्छा, बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे। अच्छा, लेकिन हम लोग उस चीज़ का भारी क्या बोलते हैं भागीदार नहीं बनना चाहते कि गलत चीज़ हम लोग कुछ भी किसी ब्रांड के बारे में बोले। लेकिन गाड़ी की कंडीशन ख़राब थी, ऑल दो गाड़ी को करीबन 7 साल हो चुके हैं, 7 साल पुरानी गाड़ी थी वो, तो भाई इतना कुछ बनता नहीं है। और हम लोगों ने उसको कैसे पेंट किया भाई ये बताओ, अब कैसी लग रही हो गाड़ी? तो भाई ओनली वन इन इंडिया। ओनली वन इन इंडिया। तो भाई नॉर्थ इंडिया नहीं, साउथ इंडिया नहीं, अब जो है ये ओनली वन इन इंडिया वाली आपको गाड़ी दिखाने वाले हैं। और अभी आप लोग जो गाड़ी इधर अपने पीछे देख रहे हो ये बाइक भी हमारा एक नया प्रोजेक्ट है और ये गाड़ी जो है ये भी ओनली वन इन इंडिया है। इसके टायर से अगर आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये रेंज रोवर है या फिर कौन सी गाड़ी है, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद बताना है। और ये कवर हमने ढक के रखा हुआ है क्योंकि ये प्रोजेक्ट चल रहा है और मीन वाइल आप लोग देख सकते हो वहाँ पर जो है एक पजीरो का प्रोजेक्ट भी तैयार हो रखा है। तो भाई एक चीज़ राहुल, ये चीज़ हम बताना भूल गए, मैंने बताया पूछा आपसे रैपोलिक को कितना टाइम हो चुका है भाई? 3 साल। 3 साल हो चुके हैं। तो भाई इस 3 साल में कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है भाई? बहुत ज़्यादा मिला है प्यार तो, और अब जो लॉकडाउन के बाद है, ठीक है, और ज़्यादा प्यार बढ़ गया। बिल्कुल। तो भाई का जो स्टोर है ये पोचनपुर में है और यहाँ पर ये पूरी टीम है, ठीक है, जो पूरी वर्किंग जो आप लोगों को करती हुई देखने को मिल जाएगी। और राहुल भाई एक चीज़ और बताओ ऑडियंस को कि जैसे अगर आपके पास तक कोई पहुँचना चाहता है तो लोकेशंस तो हम लोग शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा बता दो कि रैपोलिक तक पहुँचने का आसान तरीका क्या है? मैं एक तो आप गूगल मैप पे भी लिख सकते हैं, चीज़ें यहीं पर पहुँचेंगे। बिल्कुल। आसपास का कोई बता दो, यहाँ पर कोई फार्म वार्म है ना कोई आसपास? यहाँ पे राधा स्वामी, राधा स्वामी सत्संग भवन भी और जायका बैंक्वेट भी है। जायका बैंक्वेट और राधा स्वामी, वो तो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय किसी से भी, ये हम लोग अपनी पसंद से जो है आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई हमारे स्टोर के बारे में। और अब मैं हम लोग आप लोगों को जो दिखाने वाले हैं वो है ओनली वन इन इंडिया जो हमारी i20 तैयार हुई है। तो सीधे आप लोग देखोगे इन 3, 2, 1। तो फाइनली टाइम आ चुका है कि हम लोग जो है आप लोगों को दिखाए फाइनल आउटपुट। तो हमारे साथ यहाँ पर भाई है जिनकी गाड़ी है
और हमारे साथ राहुल भाई है जिन्होंने इनकी गाड़ी में ये वाला पेंट जो है करके दिया है। तो सबसे पहले गाड़ी दिखाने से पहले मैं भाई से फीडबैक लेना चाहूँगा। भाई का पहले एक बार नाम बता दो भाई। अलोकित। अलोकित भाई है, भाई जो है पश्चिम बिहार से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। भाई ने भैया को कितने दिन के लिए गाड़ी दी थी भाई? एक महीना। एक महीने के लिए गाड़ी दी थी भाई। ऐसा क्या कर रहे थे इस गाड़ी के अंदर ये बताओ पहले भाई। हम गाड़ी में काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वन एंड ओनली बनाए इसे, ठीक है, इकलौती गाड़ी हो i20 या फिर इकलौती ही गाड़ी हो जो इस शेड में हो। मैं थोड़ा सा भाई के साथ जो है इस बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा। दिक्कत क्या थी, मोस्ट प्रॉब्ली जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम पे आप लोगों को मैंने एक पहले चीज दिखाई थी कि इस गाड़ी में पेंट पील ऑफ हो रहा था। और ऐसा नहीं था कि भाई ने रीपेंट कराया था, पील ऑफ हो रहा था, स्टॉक पेंट इसका उतर रहा था, स्टॉक पेंट उतर रहा था, जो कि बहुत एक दुख वाली चीज है। लेकिन स्टिल भाई नाउ एक प्राउड फीलिंग आपके पास है कि यू आर दी ओनली वन। अब इसके बाद जो भी बनेगा दूसरा बनेगा। पहले वाला हमेशा जिंदगी भर जाना जाता है, दूसरा वाला भी जाना जाता है, लेकिन वो जाना इससे जाता है कि उसने पहले वाले को कॉपी किया था। ठीक है, सो भाई प्रेजेंटिंग यू ऑल। भाई आप इस तरफ आ जाओ, राइट साइड में आ जाओ राहुल भाई के साथ में। ठीक है, सो प्रेजेंटिंग यू ऑल 2021 की ओनली वन इन इंडिया। कौन सा रैप कलर कौन सा है भाई? ये मैट वाइट कमेलियन। वाइट मैट कमेलियन बोल लो, चमेलियन बोल लो, जैसे आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, और इस गाड़ी के लुक का टाइम जो है वो आ चुका है आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी हो रही है कड़क वाली धूप, ये जो आप देख रहे हो ये पिंक वाला, ये कैमरे का शेड नहीं है, ये इसी को कमेलियन वाला जो लुक है वो कहा जाता है। ठीक है, विंड ब्लास्ट कितनी है आई रियली डोंट नो अबाउट इट, लेकिन स्टिल अगर आप लोग लुक वाइज देखना चाहोगे तो गाड़ी जो है भाई ने तो बहुत हैवी ड्राइवर वाला सीन जो है वो पूरा कर दिया। ठीक है, आप लोग एक बार साइड प्रोफाइलिंग से भी इसको चेक कर सकते हो, और जितना जस्टिफाई मैं कर पा रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। बाकी जितने भी पश्चिम बिहार के मेरे इस भाई की गाड़ी को देखेंगे उनसे हम लोग बोलेंगे कि भाई को भी टैग कर देना, मेरे को भी टैग कर देना, और अपना प्यार मोहब्बत जो है पूरी दिखाना। अगर आप लोग इस तरफ से देखोगे तो आप लोगों को पूरा कमेलियन वाला जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने आज तक लोगों को कमेलियन रैप करते हुए देखा, लेकिन पहली बार आप लोग वाइट कमेलियन में किसी को पेंट करे हुए देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई केरला में तो ये ऑलरेडी हुआ होगा, हमने थोड़ी आरएनडी करी? नहीं करी। अरे हमने आरएनडी तो कर लिया, आरएनडी करी है बट गाड़ी नहीं हो रखी है। ठीक है भाई, तो इट लुक्स रियली नाइस। अब देखो जहां जहां पर आप लोगों को पिंक शेड पूरा ये जो देखने को मिल रहा है ये जो है ये गाड़ी के लुक को और साथ साथ में इसके जो पूरे ओवरव्यू है उसको जो है कहीं ना कहीं इनहेंस करता है। भाई को अगली जो रिकमेंडेशन है भाई बॉडी किट, आने वाले टाइम में बॉडी किट भी जो है इसके अंदर लगाई जाएगी। एंड देखने वाइज में अगर आप बात करोगे बिना धूप के तो आप लोगों को ऐसा इफेक्ट नहीं पता चलेगा। एज सुन एज इस गाड़ी को आप छूओगे आपको मैट वाली फील आएगी। फाइनल कोट जो कहते हैं कि भाई क्या बोलते हो फाइनल कोट को, मैट क्लियर का मारा इसमें, और अगर इसमें हमने कौन सा कोट मार देता तो ये ग्लॉसी भी हो जाती। अगर ग्लॉस क्लियर होता तो ग्लॉस में हो जाती, ग्लॉस हो जाती। ठीक है भाई, तो जस्टिफाई करने के लिए कोशिश हमारी पूरी है। अब कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है रियली डोंट नो अबाउट इट, लेकिन जितना भी हम लोग आप लोगों को अच्छे तरीके से बता सकते हैं उतना मैंने दिखा दिया है। और भाई जो है वो गाड़ी को लेके जा चुके हैं, दो दिन भाई ने गाड़ी को चला लिया। भाई क्या लोग, ये हेड टर्नर है कि नहीं है? बिल्कुल है, रोक के लोग जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, सारे दोस्त भी पूछ रहे हैं कराया क्या है। पहले तो लोगों को अगर इसको छूएंगे बाई चांस कोई इसको छूता है तो उसको ये फील होगा, पहले तो ये रैप हो रखा है, फीलिंग रैप वाली है। राहुल भाई रैप वर्सेस पेंट, अगेन रैप के ऊपर हम लोग जो है राहुल भाई के साथ आने वाले टाइम पे वीडियो बनाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली बनाएंगे ना। बिल्कुल, ठीक है। और पेंट वर्सेस अगर रैप के बारे में बात करें तो किस तरफ ज़्यादा झुकाव है? कुछ शेड्स है जो पेंट में कभी नहीं बनती, बट अगर आप ड्यूरेबिलिटी की बात करोगे तो पेंट की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, पेंट रफ एंड टफ होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर सेम शेड पेंट में बन सकती है तो पेंट करवाना चाहिए, बट फिर वो परमानेंट हो जाता है। रैप का ये आप पील ऑफ कर सकते हो और चेंज कर सकते हो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कलर्स अपने। भाई ये सही बात बोल रहे हैं भाई, सही बात। आप करवाने के आए थे पहले ये बताओ? रैप करवाना आए थे, और भाई ने आपको पेंट के लिए जो है रिकमेंडेशन किया, मोस्ट प्रोबेबली राहुल ने इसलिए किया होगा कि कुछ अलग हटके दिखे और पेंट में शेड भी थोड़ा डिफरेंट आया है और अच्छा लग रहा है, और एक रिलायबिलिटी है यार, ऑफ कोर्स ही बात है। अब चलान लान के लिए कोई पकड़ेगा नहीं, क्या कहते हो? नहीं पकड़ेगा, सेम कलर के लिए नहीं। चलो भाई ठीक है, तो भाई ये एक ओवरलुक है आप लोगों के सामने, आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा है। अब हम ले रहे हैं थंबनेल और उसके बाद सीधे जाके हम लोग रैपोलिक्स में आप लोगों से और बातचीत करेंगे। हम लोग आ चुके हैं अपने ऑफिस के अंदर जहाँ पर आप लोग भाई से जो आके आराम से बैठ के बात कर सकते हो। तो जो गाड़ी आप लोगों ने देखी अगेन उसमें पूरा पेंट जॉब जो है वो भाई ने किया है। भाई जो है वो रैप में भी जो है थोड़ा सा इन है, और थोड़ा सा ज़्यादा इन हो, नाम ही रैपोलिक है, ज़्यादा इन है। ठीक है भाई, का एक स्टोर भी है जो आप लोगों का कहाँ पर है? फरीदाबाद में। अगेन अभी हम लोग जो है ज़्यादा स्टांस और ज़्यादा मेहनत जो है वो हमारे द्वारका वाले स्टोर के ऊपर ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ नए कंटेंट के साथ हम लोग आए
और ऑडियंस के सामने जो है पेश करें, और जो हमारी प्रोजेक्ट कार यहाँ पर तैयार कर रहे हैं हमारे भाई जिन, जो अपनी गाड़ी होगी इनकी एक पहचान होगी रेपोलिक की, तो वो भी हम लोग जो है उसमें पूरी वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा राहुल, एक आइडिया लोगों को दे कि जैसे पेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या कॉस्टिंग में जो है ये इनिशियल नॉर्मल पेंटिंग हो जाती है, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं भैया मैं तो 20,000 में पेंट कर दूंगा, 25,000 में कर दूंगा, 30,000 में कर दूंगा, तो क्या है ये खेल और कैसे पूरी चीजें चलती है भाई? मेनली जो पेंट है स्टार्ट हो जाता है बाकी मार्केट में 15,000 से स्टार्टिंग हो जाती है पूरी गाड़ी का पेंट, पूरी गाड़ी, छोटी गाड़ी की बात कर रहे हैं, छोटी गाड़ी की, जिसमें आपकी डेंटिंग वगैरह बेकार होती है, पेंट की क्वालिटी बेकार होती है, ठीक है, पेंटर को एक्सपीरियंस नहीं होता और जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो बहुत बेकार होता है। एक चीज में मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, लोग क्या करते हैं यूजुअली अपनी डेंटिंग के पैसे बचाने के लिए गाड़ी के अंदर पुट्टी भर देते हैं, बॉडी फिलर बहुत ज्यादा, बॉडी फिलर सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है, बॉडी फिलर भरो पेंट मारो पता चलेगा नहीं, लेकिन जब गाड़ी टच होगी तब जो है इफेक्ट आएगा, ठीक है भाई। तो जिशान भी हमारे साथ है, जिशान भी आप लोगों को जो है रेपोलिक टीम में जो है पूरा वर्किंग करते हुए देखने को मिल जाएंगे और सब मेहनत कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ भी आप लोग जो है अच्छा प्यार मोहब्बत जो है बना के रखोगे। तो बॉडी फिलर वाला एक चीज़ है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया, इसके साथ में क्या है एक ये जो प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग है, अगर पूरी गाड़ी रीपेंट करा रहे हो तो मोटे से मोटा 7 से 8 दिन लग जाते हैं, मैक्सिमम 7 से 8 दिन लग जाते हैं, अगर आपका एक पीस है दो पीस है तो वो भाई अपने अकॉर्डिंग जितना भी टाइम लगता है उसके हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई अगर मैट पेंट के बारे में बात करें तो मैट पेंट कितना भी इन है इंडिया में, अगर बात करें लोग करवाते हैं मैट पेंट, अभी इतना नहीं करा रहे, ठीक है, बट ये है कि जो ये वाली गाड़ी हमने की है, ठीक है, इसके बाद शायद मुझे लग रहा है ट्रेंड बनेगा, ट्रेंड बनेगा बिल्कुल भाई, मेरे को भी ये चीज लगता है क्योंकि मैट में जो है अगर आप छू के फील करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने रैप करा रखा जी, ये है ये वाला ट्रेंड वाली बात। तो चलो भाई आपको मैंने टीम भी दिखा दी, सब कुछ बता दिया, रेट जो है वो हम लोग जो रेपोलिक से उम्मीद कर रहे हैं, जितने भी हमारे जो व्यूअर्स मेरे से जो है इंस्पायर्ड होके या बाइक से इंस्पायर्ड होके इन्हीं के पास काम कराने आए तो उनको काम की क्वालिटी मिले और साथ ही साथ में कॉस्टिंग अच्छी मिल जाए, तो कुछ ऐसा ऑफर कर देंगे पहले 10 से 20 लोग जो भी आएंगे उनको भाई रिगार्ड कर देंगे अच्छे लेवल में, 10 से 20 ही बोल रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो भाई थोड़ा सा यहाँ पर जो है हम लोग पार्किंग चाहते हैं कि अच्छी रहे, काम अच्छी तरीके से हो, तो पहले से 10 से 20 जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनको राहुल भाई रिगार्ड करेंगे, बोल देना मुसाफिर की वीडियो देखी तो बोल देना आपको वीडियो में देखा। आप लोगों के पूरे एक आइडिया के लिए, आप लोगों की नॉलेज के लिए भाई ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ करा रखी है, इनको हम लोग बोलते हैं ये बेसिकली पेंट शेड्स होते हैं, नॉर्मली अगर इसको आप देखोगे तो ये जो बचपन में वो मास्क लगाते थे ना वो भालू वाला और वोला, तो ये मास्क की वही क्वालिटी रहती है, लेकिन इसमें जो है आपको शेड जो है पता चल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो कितने सारे शेड्स हैं, करीबन 55 से 60 जो है इसके अंदर शेड भाई ने रखे हैं, सारे कस्टम पेंट, सारे कस्टम पेंट है ये, तो जो चीज पेंट ही नहीं हो सकती उसको हम रैप कर देंगे, जो चीज रैप हो सकती है उसको तो हम पेंट कर ही देंगे बिल्कुल, और 150 प्लस पेंट शेड्स है हमारे पास, 150 प्लस है बिल्कुल। और एक चीज और बता, इसमें भी कहते हैं कि लोग क्वालिटी होती है, नैरो लेग यूज करते हो, क्या यूज क्या है वो, क्या खेल है, पेंट के ब्रांड्स होते हैं तो उनकी क्वालिटी बिल्कुल डिफर करती है, ठीक है, मतलब सस्ता पेंट जो कर रहा है सस्ता भी चलता है कि नहीं चलता, सस्ता उतनी लाइफ नहीं देगा, उतना ग्लॉस नहीं देगा, अगर किसी का बजट बहुत कम है तो हम क्या सस्ता पेंट रिकमेंड करेंगे, सस्ता मतलब फिर वो नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोई चीपर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, लेकिन ब्रांडेड यूज करिए जो लाइफ भी देगा, क्योंकि हमारे जो पेंट की वारंटी स्टार्ट होती है वो 2 ईयर्स से स्टार्ट होती है, अच्छा 2 साल की वारंटी आप देते हो पेंट पे, बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई ये चीज जो है हाईलाइट कर दूंगा मैं स्टार्टिंग में वीडियो के, 2 साल की गारंटी दे रहे हो पेंट पे, बिल्कुल हम 2 साल की पेंट की वारंटी देते हैं अपनी, जिसमें पेंट की फेडिंग या फिर कोई चिपिंग एंड क्रैकिंग होगी तो वो हम फिर से करके देंगे, अनलेस एंड अंटिल आपने खुद कहीं पर गाड़ी मारी हो या खुद रगड़ के लाए होगे तो वो चीज नहीं होगी, नहीं तो बाकी सब, और कहीं और रबिंग पॉलिश नहीं होगी, रबिंग पॉलिश नहीं होगी, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस, तो पूरी वीडियो जो है आप लोगों ने देख ली है, अगेन हम लोग वापसी आ चुके हैं हमारे स्टोर की तरफ, और हमारे स्टोर में जो है हमने गाड़ी को लगा दिया है। अब आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब आप इस मोड में इसको देख रहे हो तो ऊपर से आप लोगों को कोई लाइट इसमें पड़ती हुई दिखने को मिल रही, तो इसलिए ये सफेद लग रही है, तो एक तरीके से जब ये रोड पे चलेगी तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को जो चलान वाली चीज हो गई या फिर लीगैलिटी का सीन हो गया तो उसमें भी आप लोगों को सेफ गार्ड रखती है। कहां पर जो है इसका लुक निकल के आएगा जब ये धूप में चल रही होगी, और धूप में जब ये निकलेगी तो इसके ऊपर जो पूरा पूरा एक इफेक्ट आएगा उसमें बड़ा अच्छा लगेगा, साथ ही साथ में रात को जब आप गाड़ी को लेकर निकल रहे हो इसके ऊपर कोई लाइट मारता है तो पूरा उसको जो है इसका एक लुक आ जाएगा। साथ ही साथ में ये जितना भी काम आज आप लोगों ने होते हुए देखा ये हुआ है रेपोलिक में, जो कि है पोचनपुर में, द्वारका में सिचुएटेड ये शोरूम है, और हमारे जो राहुल भाई है वो इस स्टोर को जो है पूरा ओन करते हैं, और साथ साथ में बहुत सारे भाई बंधु है जो पूरा पूरा काम करते हैं, आने वाले वीडियोस में उनके बारे में भी आप लोगों से बात करेंगे। राहुल, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो लोगों के साथ में शेयर करना पड़ता है, जो लोग बोलते हैं कि भाई क्लियर कोट मार दिया, इतने कोट मार दिए, 2 कोट मार दिए, 3 कोट मार दी, पेंट का सबसे अच्छा अगर इफेक्ट चाहिए तो कैसा क्या प्रोसेस रहता है, मुंह से बता दे बाद में जो दिखा भी देगी। पेंट का सबसे अच्छा इफेक्ट आता है अगर आपका पेंटर अच्छा है तो, अगर आप अच्छा कितना भी एक्सपेंसिव पेंट दे देंगे, कितनी भी एक्सपेंसिव गन दे देंगे, अगर उसे चलानी नहीं आती
तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, पर उससे पहले बेस जो है गाड़ी का, अल्टीमेटली बेस इवन होना चाहिए, बेस सबसे फाइन होना चाहिए, क्योंकि उस बेस पर वो चीज आ जाए। तो ये कॉम्बिनेशन है जो प्रॉपर हो तब चीज अच्छी निकल कर आती है। एक चीज और, जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो ब्लैक कॉलिंग वाले भैया के साथ मेरी पहली ये वीडियो है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफली हम लोग आगे अगले टाइम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए और लेके आएंगे, रैपिंग से रिलेटेड वीडियोस भी लेके आएंगे। एक चीज मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा, जो मैं आप लोगों को पर्सनल ओपिनियन के वाइज भी बोलना चाहूंगा, तो अगर आप लोग कोचनपुर की इस मार्केट में आते हो तो हो सकता है आपको लोकेशन की दिक्कत आए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो नंबर नीचे जो है मैंने फ्लैश करा रखे, आप लोग जो उनको देख सकते हो। साथ ही साथ में राहुल के पास जब आ रहे हो तो एक आप रफ आइडिया अगर लेना चाहो, आप रफ आइडिया फोन में ले सकते हो, लेकिन अगर आपका काम बड़ा है तो उसके पैसे फोन में बताना बहुत मुश्किल होता है। ये भाई ना बोल पाए, लेकिन ये मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी सारे शूट्स कर रखे हैं जिनमें ये चीजें होती है। तो आप लोग जब भी अगर फोन में पूछोगे भैया मेरी गाड़ी है, मेरे को गाड़ी को रीपेंट कराना है, तो रीपेंट कराने के लिए बहुत तरीके की क्वालिटी होती है। रीपेंटिंग जो है वो 25-30 हज़ार रुपए से भी स्टार्ट हो जाती है, और रीपेंटिंग जो है वो 50 हज़ार की भी होती है, गाड़ी टू गाड़ी, शेप टू शेप, SUV टू MUV, सब चीजों में जो है उसका डिफरेंस आता है। आई होप कि आप लोगों ने अगर इस वीडियो को इस पॉइंट पे देखा है तो रैपाहोलिक वाले भैया के आप भी जो है एक साथी बनना चाहेंगे, तो जरूर आके आप पर जो है सपोर्ट दिखाओ। राहुल एक बार एड्रेस थोड़ा सा इजीली जो है लोगों को समझा। ये रैपाहोलिक जो है सेक्टर 23 मेन कोचनपुर कार मार्केट के फ्रंट में ही है। ठीक है, द्वारका में सिचुएटेड है। ठीक है, मोबाइल नंबर जो मेरा है वो 9716786948। बहुत तेजी में बोला नीचे फ्लैश के, उसमें आप लोग देख लेना। तो अगर आप लोगों ने इस पॉइंट तक वीडियो को देखा, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो, मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है लिखिए MUSAFIR7811, यानी कि मुसाफिर 7711, फेसबुक में फॉलो करना लिखिए मुसाफिर स्क्वाड। तो विद दिस गाइस करते हैं आज के इस वीडियो को एंड, तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड एवर कर दो भाई।